वेलकम स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस और उसकी कन्वर्जेंस का एक पार्ट किया था हमने, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस डेफिनेशन देखते हैं। अ सीक्वेंस एफ एन ऑफ फंक्शंस ऑन ए है सबसेट हम आर का, ए टू आर कन्वर्जिज यूनिफॉर्मली ऑन ए नॉट टू अ फंक्शन एफ, और ये एफ फंक्शन कहाँ से, ए नॉट से आर पे, इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर ज़ीरो देर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर There exists a natural number k epsilon। इसका क्या मतलब है, k depending on epsilon, depending on epsilon but not on x belong to a naught। जो नेचुरल नंबर होता है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस में सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करता है, और जो पॉइंट हम एक्स लेते हैं ए नॉट में से उस पे वो डिपेंड नहीं करता। लेकिन पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में ये जो नेचुरल नंबर के हमने लिया है वो डिपेंड करता है एप्सिलॉन और एक्स दोनों पे, एज वेल एज एक्स, एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करता है और एक्स पे भी डिपेंड कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। लेकिन अगर वो नेचुरल नंबर सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करे तो उस कन्वर्जेंस को हम कहते हैं यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस। जी, नॉट ऑन एक्स बिलोंग टू ए नॉट सच दैट If वो जो हमारा नेचुरल नंबर n है greater equal to k natural depending on epsilon, then mod f n of x minus f of x lesser epsilon for all x belong to a naught। अब देखें, जो वैसे हमने सीक्वेंस देखी थी, सीक्वेंस किसी पॉइंट को कन्वर्ज करते थे तो कुछ टर्मों के बाद हमें एक नंबर ऐसा मिल जाता था जिसके बाद वाली टर्म्स का सम हम लेते थे तो लेसर एप्सिलॉन होता था। वो जो नेचुरल नंबर हमें मिलता था वही नेचुरल नंबर हमें सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस में भी मिलता है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में भी मिलता है, और अगर वो डिपेंड करे एप्सिलॉन पे, उसमें क्या करते थे हम एप्सिलॉन को चेंज करते थे तो हमारी जो वो नेचुरल नंबर था वो चेंज हो जाता था। यहाँ पे हम जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस है
यहाँ पे हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस में देखते हैं कि वो जो नेचुरल नंबर है वो एप्सिलॉन पे भी डिपेंड करता है, एप्सिलॉन चेंज होता है तो वो चेंज होता है, वो एक्स पे भी डिपेंड करता है, एक्स चेंज होता है तो वो नेचुरल नंबर चेंज होता है, तो उसको हम कहते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट। अगर वो सिर्फ एप्सिलॉन के चेंज करने से नेचुरल वो नेचुरल नंबर जो है वो चेंज हो तो हम कहते हैं वो कन्वर्जेंस क्या है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है। सच दैट इफ एन ग्रेटर इक्वल टू के डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन देन मॉड ऑफ एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स लेसर एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू ए नॉट। फिर हम कहते हैं कि ये कन्वर्जेंस कौन सी है, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। जी हम इसको लिखते कैसे हैं, वी राइट एफ एन कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन ए नॉट, ऐसे भी हम लिखते हैं, या एफ एन ऑफ एक्स कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन टू एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स बिलोंग टू ए नॉट। तो इस तरह हम इसको राइट करते हैं, लिखते हैं। रिमार्क्स क्या है, रिमार्क क्या यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस भी होती है या पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस भी होती है। इफ सीक्वेंस आर फंक्शंस इज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन ए नॉट देन दिस सीक्वेंस आल्सो कन्वर्जेस पॉइंट वाइज। अगर किसी सेट पे कोई सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है तो वो पॉइंट वाइज भी कन्वर्ज करेगी, वो पॉइंट वाइज भी कन्वर्ज करेगी, क्या होगा यूनिफॉर्मली इंप्लाई करती है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस को। लेकिन अगर जो हमारे कन्वर्जेंस है वो पॉइंट वाइज है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस हो। इन जनरल कन्वर्स इज नॉट ट्रू, इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है इन जनरल। अगर पॉइंट वाइज है तो ज़रूरी नहीं है उसके लिए वो यूनिफॉर्म भी हो, अगर यूनिफॉर्म है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पॉइंट वाइज भी होगी। अब हम एक रिजल्ट डिस्कस करते हैं, एक लेम्मा डिस्कस करते हैं कि क्या कंडीशन हो तो जो हमारी सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज नहीं करती। जी हम रिजल्ट डिस्कस करते हैं, लेम्मा डिस्कस करते हैं। एम है हमारे पास अ सीक्वेंस एफ एन ऑफ फंक्शंस ऑन ए टू आर डज नॉट कन्वर्ज यूनिफॉर्मली,
uniformly on a naught to a function f a naught to r if and only if. If and only if कब वो uniformly converge नहीं हो करेगी? If and only if for some epsilon greater zero there exists a subsequence f and k of fn and sequence xn in a naught such that जो हमारा सीक्वेंस है फंक्शंस का उसकी हमें कोई सब सीक्वेंस मिल जाए और एक एक्स के सीक्वेंस मिल जाए ए नॉट में से सच दैट कि मॉड ऑफ एफ एन के ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के ग्रेटर इक्वल टू हो जाए एफ सिलान के फॉर ऑल के बिलोंग टू नेचुरल. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो वो कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली नहीं होगी. अगर कन्वर्जेंस यूनिफॉर्मली नहीं है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी. इस इन दोनों के दरमियान क्या है? इफ़ एंड ओनली इफ की कंडीशन है. अगर जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है तो वो इसको होल्ड नहीं करेगी. अगर वो यूनिफॉर्म कन्वर्ज नहीं करती तो इस कंडीशन को होल्ड करेगी. अगर कोई सीक्वेंस इस कंडीशन को होल्ड करती है तो वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं होगी. अब हम एग्जांपल लेके देखते हैं. हम एक सीक्वेंस लेते हैं एफ एन एफ एक्स एक्स और एन एक्स बिलोंग टू आर और एन जो है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से. हम ये लेमा इस पर अप्लाई करते हैं. सबसे पहले तो हम एफ ऑफ एक्स फाइंड करते हैं कि एफ ऑफ एक्स क्या है. एफ ऑफ एक्स कैसे फाइंड करते हैं? एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल होता है लिमिट एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. अब लिमिट एफ एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स ओवर एन. लिमिट एक्स ओवर एन जब एन जो है वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को तो ये हो जाएगा ज़ीरो. ज़ीरो को अप्रोच कर जाएगा एक्स जो मर्जी हो तो ये किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ एक्स के. तो हमारे पास जो हमारा लिमिट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो है ज़ीरो. लिमिट फंक्शन हमारा क्या है? एफ ऑफ एक्स ज़ीरो. अब इफ वी लेट हम लेट करें एन के 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 इक्वल एंड एक्स के बी के ले लें. हमने तो सब सीक्वेंस लेनी है ना जी. फिर क्या होगा? फिर हमारा एफ एन ऑफ के एक्स के क्या होगा जी? एक्स के एन के ये भी के है तो के से कैंसिल और हमारे पास वन बन जाएगा. एफ एन के
ऑफ एक्स के की वैल्यू हमारे पास 1 है, इसी तरह एफ एक्स के की वैल्यू, एफ एक्स 0 के इक्वल है तो एफ के किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा, क्योंकि हमारा जो लिमिट फंक्शन है वो तो है 0, जो मर्जी रखे। अब देखें ये तो हमें मिल गई, अब हम ये अप्लाई करते हैं इस पे, क्या है एफ एन के ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के, तो ये इक्वल हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या है 1 और एफ ऑफ एक्स के की वैल्यू हमारे पास क्या है 0, तो ये आ जाएगा 1। और एप्सिलॉन तो आर्बिट्रेरी होता है ग्रेटर 0, तो ये क्या हो जाएगा ग्रेटर इक्वल एप्सिलॉन, एप्सिलॉन आप 1 ले लेंगे तो ये बराबर हो जाएगा, एप्सिलॉन आप छोटा ले लेंगे 0.1 ले लेंगे या 0.2 ले लें 0.3 ले लें तो ये 1 बड़ा हो जाएगा। तो ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, अगर इस कंडीशन को ये सेटिस्फाई करता है तो इसका क्या मतलब है कि एफ एन ऑफ एक्स नॉट कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली, तो इस तरह ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करता, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करता। ये लेमा था, ये लेमा का क्या मतलब था है? कि अगर कोई सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है तो इफ एंड ओनली इफ वो इस जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करेगी, अगर कोई सीक्वेंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करती, अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करती तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, अगर इस कोई सीक्वेंस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज नहीं करती। ये एक रिजल्ट है, इसको हमने इसके लिए एग्जांपल भी देखी। ओके थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।